नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे चैनल सक्षम न्यूज इंडिया की ताजा खबरें। धन्यवाद। जैसे भगवान भक्त और भगवान के साथ संबंध किस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, एक जीव को भगवान के साथ किस तरह से संबंध स्थापित किया जाएगा उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव हम एक भगवद गीता का ऐसा श्लोक है, मैं आपको बताती हूँ। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। तात्पर्य ये है कि ये देह जो है नित्य प्रति समय बदलता रहता है, कौमार्य अवस्था से यौवन अवस्था, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है और उसके बाद ये देह जो किसी काम का नहीं रहता है उसे त्यागना पड़ता है। जिस तरह से इस शरीर के ऊपर हमने वस्त्र धारण किए हैं तो ये जब वस्त्र पुरातन होता है तो हमें इन वस्त्रों को भी त्यागना पड़ता है, इसी तरह ये आत्मा भी नवीन शरीर धारण करती है क्योंकि पुराना शरीर किसी काम का नहीं रहता है, इसीलिए वो नवीन शरीर को धारण करके आगे की ओर अग्रसर होता है। मगर हमें ये 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है। जब 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमें मिलता है तो हमें इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, ईश्वर के चरणों में आना चाहिए, भगवान के नामों का सिमरण करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे नामों के सिमरण के लिए गृहस्थ आश्रमों का त्याग कर दो, सर्वस्व त्याग करके आश्रम में बैठो या वन में चले जाओ, ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा है। हमें अपने परिवार के साथ रह के गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थों को भी भगवान नाम की महिमाओं के बारे में गान करवाना सिखाना है और भौतिक जीवन में रह के भगवान का नाम लेना यही सर्वोच्च है, यही गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च मार्ग। भाई अग्रवाल, मैं भद्रेश शाह, मुकेश भाई जोशी, शैलेश भाई सवाणी, पंकज भाई बेदी, हम हेमांगी सखी माँ विश्व की पहले सिख किन्नर जिनको भागवत आचार्य का पुरस्कार आचार्य पद भी प्राप्त हुई, उनके द्वारा हम आज की युवा पीढ़ियों के बीच में एक ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं कि धर्म है, हर धर्म है, लेकिन उसको एक कोई सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है। बस वो राह दिखाने के लिए हम राजीव माँ के शरण में आए और उन्होंने हमको जो गाइडलाइन दिया
माँ की सखी माँ के क्षण में हम आए हैं। पंकज मेदी मीरा रोड से। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि माता जी आज मीरा बेंद्र में आए हैं और ये विश्व के पहले किन्नर हैं जिनको भागवताचार्य की पदवी मिली हुई है। और ये जो संपन्न है, ये 3 दिन का हमारा जो प्रोग्राम है जिसे हम 3 दिन की भागवत कथा करेंगे, तो आज के दिन से शुरुआत हो रही है। और बिल्कुल ये हम लोग अपील करते हैं मीरा बेंद्र की जनता से कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और भागवताचार्य जो भक्ति का रस लीजिए और इनके आप जब शब्द सुनेंगे तो आपको अपने आप में मन में लगेगा कि भगवान है कहीं ना कहीं। आज हमारे पास समय नहीं है भगवान को मानने का, लेकिन आप जब इनकी कथा सुनेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा। कि मैं हॉबी क्लास टीचर हूँ, मैं बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ और मुझे जब ये कार्ड हिमांगी सखी माँ का मुझे जब मिला हिमांगी सखी फाउंडेशन की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार माँ जब मेरे घर आई मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई माँ को देख कर कि मेरा घर पवित्र हो गया। किसी ऐसे लोगों का मेरे घर में जिनका चरण हमारे घर में पड़े देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। और प्लस यहाँ जितना मैं तो सब लोगों को बोलूँगी कि एक बार ऐसा जो पंकज भाई ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है इतना अच्छा मीन्स हिमांगी सखी माँ का जो भागवत कथा 3 दिन का रखा है उसमें प्लीज़ सारी लेडीज़ से अपील है कि घर से थोड़ा टाइम निकाल के शाम को आप 2 घंटे के लिए यहाँ 2-3 घंटे के लिए आइए और कथा का लाभ लीजिए। कि क्योंकि कथा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे महात्मा और सब आते हैं, लेकिन पहली बार जब ऐसी किसी महिला के बारे में है तो मैं तो सबको बोलूँगी कि आकर के कथा का आनंद लेना चाहिए। और मैं आई या मुझे उनसे मिलके और हम सब लोग जो हमारे साथ भी आए सबको बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं सचिन केसरीनाथ मात्रे प्रभाग क्रमांक 14 का नगर सेवक हूँ, जबकि ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से हो रहा है 13 नंबर वार्ड में। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे कल आना था और पहले ही दिन मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि इनविटेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए थे। दो लोगों ने इनविटेशन मुझे दिए थे लेकिन कल आना था, वो आज आ गया। सौभाग्य से पहला दर्शन मेरा हो गया। और इस विभाग में ही नहीं, मीरा भाईंदर में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे पावन चरण हमारे मीरा भाईंदर को लगे हैं। अभी ज़रूर एक तो बदलाव होंगे और इनके आशीर्वाद से हमारे मीरा भाईंदर में कुछ अच्छा समय